नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। जमानिया कोतवाली क्षेत्र के बरवीन गांव के पास NH 9724 पर स्थित पेट्रोल टंकी के सामने शुक्रवार की रात अज्ञात वाहन से धक्का लग जाने से साइकिल सवार युवक की मौत हो गई, जिसके बाद शनिवार की सुबह परिजनों को घटना की सूचना मिलने पर मुआवजे की मांग को लेकर NH को जाम कर धरना प्रदर्शन करने लगे। मौके पर पहुंचे पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खाली कराया। मृतक के पिता शिवमूर्त ने बताया कि बरवीन गांव निवासी 35 वर्षीय मंगला शुक्रवार की शाम साइकिल से घर आ रहा था कि अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उसके दोनों पैर क्षतिग्रस्त हो गए और खून का अधिक रिसाव होने से उसकी मौत हो गई। मृतक पूरी रात सड़क के किनारे पड़ा रहा। शनिवार की सुबह जब पुलिस नो एंट्री लगाने पहुंची तो युवक को सड़क के किनारे लावारिस अवस्था में पड़े देखा। उसे उठाकर अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में शव कोतवाली ले आई। वहीं परिजनों को जब मौत की सूचना मिली तो बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने NH को सुबह करीब 7 बजे से जाम कर सड़क पर बैठ गए और मुआवजे की मांग करने लगे। जा रहा था, काम करने गया था, ठीक, उधर से लौटते समय नोटी खुली, उस समय ट्रक वालों ने मार दिया। साइकिल से था, साइकिल खराब हो गई। सवेरे पुलिस को पता चला कि एक बरुइन गांव का रहने वाला व्यक्ति है, बरुइन से जो चंदौली से जमानिया रोड आती है उसी रोड पे किसी अज्ञात ट्रक ने मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सवेरे पुलिस को पता चला तो पुलिस ने जाकर के मौके पर शव को कब्जे में लिया। इस घटना से आकर्षित होकर ग्रामीणों ने जाम लगाया था, जिन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया गया और कोई शांति हो सके।